Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। अब तक की लेक्चर सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया जो कि हमारे रिसर्च मेथड्स, सांख्यिकी और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स से रिलेटेड रहे आज हम उसी क्रम में इस नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेक्चर का नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग नेचर एंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ये डिस्कशन किया कि हाइपोथेसिस हम किसे कहते हैं तथा हाइपोथेसिस हम क्यों अपनी रिसर्च में डेवलप करते हैं हमारी रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या महत्व है और वो किस प्रकार हमारी रिसर्च को आगे बढ़ने में उसके स्टेप्स को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती है आज हम हाइपोथेसिस को किस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं हम हाइपोथेसिस को क्यों टेस्ट करते हैं तथा हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमें क्या क्या प्राप्त होता है किस प्रकार हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं इसके विषय में आगे अपने डिस्कशन में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं इस बात से कि हम रिसर्च क्यों करते हैं क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट हमारी रिसर्च का एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी रिसर्च और हाइपोथेसिस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो अगर हमें हाइपोथेसिस के बारे में जानना है तो पहले हमें एक क्विक रिवीजन समझना होगा हमारी रिसर्च के बारे में तो हम रिसर्च नॉर्मली क्यों करते हैं रिसर्च की शुरुआत हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है क्यों होती है जब हमारे सामने किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है समस्या होती है तो उस समस्या के निवारण के लिए या उस समस्या के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक रिसर्च का प्रोसेस या एक रिसर्च इनिशिएट करते हैं अब कॉमनली हम लोग मनोविज्ञान में या सोशल साइंसेज में किस प्रकार की रिसर्च प्रॉब्लम्स को लेते हैं या किस प्रकार की रिसर्च प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन करते हैं अब हम लोग पहले एक बार उसके बारे में जानकारी लेते हैं उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम हमारी हाइपोथेसिस को डेवलप करने में और हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हमारी मदद करती है तो कॉमनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट लिखा है एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ आई वी अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डी वी अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के विषय में हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी किया है तो हम यहाँ पर उस डिस्कशन को कंटिन्यू ना करते हुए एक बस क्विक रिविज़न लेंगे कि हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपेरिमेंटर द्वारा किए गए मैनिपुलेशन का इफ़ेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर करते हैं तो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम किस प्रकार की हो सकती है कि जैसे अगर हमें टेम्परेचर का प्रभाव परफॉर्मेंस पर देखना है तो एक प्रॉब्लम होगी कि हमें क्या हमारे टेम्परेचर का प्रभाव हमारी परफॉर्मेंस पर पड़ता है तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इसका सॉल्यूशन जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हमने कुछ लेवल्स रखे और उसका प्रभाव हमने डिपेंडेंट वेरिएबल या परफॉर्मेंस पर देखा तो इस प्रकार हमारी जो पहली तरह की रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं दूसरी तरह की रिसर्च प्रॉब्लम्स जिन्हें सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी में टेकअप किया जाता है कंसीडर किया जाता है वो कुछ इस प्रकार की होती हैं कि जब हमें किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना हो जैसे ये एक समस्या या एक क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में हो सकता है क्या हाइट और वेट के बीच में किसी प्रकार का कोरिलेशन है अर्थात इन दोनों की वैल्यूज़ के बीच में कोई एसोसिएशन है अर्थात क्या हम ये कह सकते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का वेट भी बढ़ता है या ये हम कह सकते हैं क्या जिन लोगों की हाइट कम होती है उन लोगों का वेट कम होता है इस प्रकार के रिसर्च क्वेश्चंस में हम लोग कॉमनली दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को लेते हैं और ये ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप है थर्ड थर्ड तरह के जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चंस या हम रिसर्चिज करते हैं उसमें हम लोग ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम किसी एक वेरिएबल को किन्हीं दूसरे एक वेरिएबल से या ग्रुप ऑफ वेरिएबल से प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मोटिवेशन स्ट्रेस और उसके वर्क एक्सपीरियंस के माध्यम से हम उसका जॉब परफॉर्मेंस या उसकी ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस या उसकी वर्क एफिशिएंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो इस तरह के रिसर्च में हम लोग दो या दो से ज़्यादा या किसी एक वेरिएबल से किसी दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं इसका डिस्कशन हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में कंटिन्यू करेंगे थर्ड हमारे सामने प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑलरेडी कोई हमारे पास थेरी है और हमें ये चेक करना है क्या ये थेरी आज भी उतनी ही वैलिडेटेड है या ये थेरी किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और कल्चर में भी इसी तरह से काम करती है उसका उतना ही योगदान है तो इस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम्स में हम लोग एक स्पेसिफिक थेरी को कंसीडर करते हैं उससे रिलेटेड वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं और उन वेरिएबल्स पर डेटा कलेक्ट करके ये इंश्योर करते हैं या इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो थ्योरी है इसका आज के समय में या किसी और कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलिवेंस है और किस प्रकार से हम इस थ्योरी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं लास्ट है एग्जामिनिंग द प्रपोज मॉडल या एग्जामिनिंग द प्रपोज थ्योरी ये एक नई प्रॉब्लम हो सकती है कि हम जो एग्जिस्टिंग थेरीज़ हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करें या कहें कि इनके अंदर ये लिमिटेशंस हैं तो उन लिमिटेशंस को हम लोग दूर करने के लिए या उन लिमिटेशन्स में कुछ और एड ऑन करने के लिए या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियोरी जो है उसमें कुछ और नई नॉलेज एड करने के लिए हम एक नया प्रपोज थ्योरी या मॉडल देते हैं तो हमारी रिसर्च का उद्देश्य इस कंडीशन में होता है कि हम अपने प्रपोज्ड मॉडल को इस्टेब्लिश करें वैलिडेट करें और ये इंश्योर करें कि हमारा प्रपोज मॉडल एक स्पेसिफिक रेलिवेंस रखता है और इस प्रपोज मॉडल के थ्रू हम जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो दूसरों को बताना चाहते हैं जिस तरह का रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो हम इस तरह की रिसर्च में कर सकते हैं तो हम लोगों ने देखा कि हमारे रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट एम्स ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन इन सभी रिसर्च एम्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे पास एक टूल है वो टूल सभी के लिए कॉमन है जो हमें ये इस्टेब्लिश करने में मदद करता है कि जो हमने रिसर्च शुरू की इनिशिएट की वो पूरी हुई या जो रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं वो किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं तो रिसर्च का उद्देश्य डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन इन सभी उद्देश्यों की पूरी पूर्ति करने के लिए हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग अपनी रिसर्च में करते हैं जैसा कि हम लोग पहले ही ये डिस्कशन कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस एक पूर्व अनुमान है किसके बारे में वो एक टेंटेटिव आंसर है हमारे रिसर्च क्वेश्चन को लेकर तो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उस रिज़ल्ट के माध्यम से हम लोग अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंश्योर करते हैं जैसे अगर मैंने पहले ये हाइपोथेसिस बनाई कि जेंडर का कोई भी प्रभाव हमारी वर्क परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता है तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्टिव था के जेंडर के प्रभाव को वर्क परफॉर्मेंस पर एग्जामिन करना तो मैंने जैसा अभी आपको बताया ऐसी एक हाइपोथेसिस डेवलप की लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद भी मैं ये कैसे कहूँ कि जो मेरा रिज़ल्ट आया है जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं इसी के लिए हम लोग जिस टूल का एक इस्तेमाल करते हैं उसे हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस ये हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव का रिज़ल्ट और उसकी कन्फर्मेशन में हमें हमारी हेल्प करती है तो अब हम लोग आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि परिकल्पना हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की नीड क्यों है अगर हमारे पास कोई रिजल्ट आया और हमने उस रिज़ल्ट को लोगों को बताया कि इस तरह का रिज़ल्ट हमारे रिसर्च में हमें मिला है तो हम क्यों उसके लिए एक हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं क्यों उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं और क्यों फिर हम अपने रिज़ल्ट को हाइपोथेसिस के टर्म में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों हम सीधा अपना डेटा लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो इसके लिए हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये हमें किस में हेल्प करेगी ये इंश्योर करने में कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसे हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें अब हाइपोथेसिस को हमें या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्यों करना होता है क्योंकि हाइपोथेसिस बाय नेचर एक स्टेटमेंट है जो हमारे रिसर्च वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप या उनके डिफरेंस को प्रिडिक्ट करता है तो या तो हमारी रिसर्च में उन वेरिएबल्स में डिफरेंसेस अवेलेबल होंगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो इस कंडीशन में या तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगी तो ये कौन हमें हेल्प करता है ये इंश्योर करने में कि हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें ये इंश्योर करने में हेल्प करती है कि जो हमारा रिजल्ट आया है क्या वो किसी चांस फैक्टर से आ तो नहीं गया है कोई चांस की तो एरर नहीं है बाय द वे हमने किया और उस तरह का रिजल्ट हमें मिल गया हो ये सिर्फ चांस है रियलिटी नहीं है फैक्ट नहीं है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस केस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें हेल्प करती है ये इंश्योर करने में कि हमारी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो किसी चांस फैक्टर के कारण नहीं है या अगर उसमें कोई चांस फैक्टर है तो वो चांस फैक्टर कितने परसेंट है क्या हम उस चांस फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं या उस चांस फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके द्वारा हम अपने रिसर्च के रिज़ल्ट को किस प्रकार इंटरप्रटेट कर सकते हैं नेक्स्ट है इस्टैब्लिशिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट जब हम अपनी हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते हैं एनालिसिस से उसे टेस्ट uh, करते हैं तो उसके बाद जो हम अपना रिजल्ट है उसका सिग्निफिकेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं अर्थात कि जो हमारे रिजल्ट आया है हमारी रिसर्च का उसका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है या उसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे अपनी नॉलेज में या अपने लाइफ में ये हमारी हाइपोथेसिस हमें हेल्प करती है हमारे को सिग्निफिकेंस इस्टेब्लिश करने में तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नीड के डिस्कशन के बाद अब हम लोग आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना होता है या एक हाइपोथेसिस को टैक्स टेस्ट करने में हमें किन किन प्रक्रियाओं का उपयोग करना है अब हम लोग शुरू करते हैं हाइपोथेसिस से तो हम लोगों ने रिसर्च के स्टेप्स जब डिस्कस किए थे तो उसमें एक एसेंशियल स्टेप्स था स्टेप था हाइपोथेसिस डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस तो उस स्टेप से हमारे हाइपोथेसिंग टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसेस की शुरुआत होती है अगर हमें कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो सबसे पहले हमें उसका एग्जिस्टेंस डेवलप करना होगा तो इसी तरह हम लोग सबसे पहले एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो एसेंशियल नीड है वो है डेटा की क्योंकि डेटा ही हमें हेल्प करता है हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में टेक्निकली हाइपोथेसिस एक प्री एजम्पन है जो कि बाद में एग्जामिन और टेस्ट की जाती है किसके माध्यम से कलेक्टेड डेटा के माध्यम से तो अगर हमारे पास कोई हाइपोथेसिस है हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई है तो उसके बाद हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं जब तक हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो सेकेंड स्टेप हुआ डेटा कलेक्शन इसके बाद थर्ड स्टेप है डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस का क्या अर्थ है डेटा एनालिसिस का अर्थ है कि जो हमारे पास हमारी रिसर्च में डेटा कलेक्ट हुआ है अब हम उसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स एनालिसिस के द्वारा प्रोसेस करेंगे उसमें कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और ये मैथमेटिकल एनालिटिकल प्रोसेस किससे गवर्न होगा कौन ये डिटरमाइन करेगा कि हम क्या एनालिसिस करेंगे किस तरह की कैलकुलेशंस करेंगे हमारी हाइपोथेसिस नेचर ऑफ़ हाइपोथेसिस तो जिस तरह की हमने हाइपोथेसिस डेवलप की होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को अपना डेटा एनालिसिस का प्लान क्रिएट करना होगा और उसके माध्यम से हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को फर्दर स्टेप्स में आगे के स्टेप्स में टेस्ट करेंगे तो थर्ड स्टेप हुआ डेटा एनालिसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है यही हमारी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है इस्टेब्लिश करेगा डेटा एनालिसिस का जो आउटकम आता है उसे हम कहते हैं रिजल्ट रिजल्ट का अर्थ हुआ डेटा एनालिसिस जो हमने किया उसकी कैलकुलेशंस के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उन वैल्यूज़ को इन्फॉर्मेशन्स को हम लोग रिजल्ट के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस के प्रोसेस से जो आउटकम हमें मिलता है वो हमें रिजल्ट की फॉर्म में मिलता है तो नेक्स्ट हमारे पास होगा रिजल्ट तो जो एनालिसिस हमने किया उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो हमें आइडेंटिफाई कराएगा कि हम अब हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो टेक्निकली एनालिसिस के बाद जो नंबर्स में हमें आउटकम मिलता है उसे हम एग्जामिन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से ये प्रोसेसेस डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ हाइपोथेसिस से कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो ग्रुप्स के बीच में मीन डिफरेंस है या नहीं है कि हाइपोथेसिस डेवलप की थी तो हम एक डिफरेंट तरह का डेटा एनालिसिस का प्लान बनाएंगे हमारे पास डेटा एनालिसिस एक डिफरेंट तरह की नूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी उस नूमेरिकल वैल्यू की जांच हम एक स्पेसिफिक टेबल के द्वारा करेंगे और ये कंपैरिजन करेंगे कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उससे जो वैल्यू आई है और जो टेबल में जो ऑलरेडी वैल्यू है उसके आधार पर हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए ये स्टैब्लिश करेंगे कि हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे टेक्निकली हम लोग कहते हैं कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया या वी फेल टू एक्सेप्ट हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस के द्वारा हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने में असफल हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और फंक्शन को डिस्कस करते हैं हम आगे के लेक्चर्स में ये देखेंगे कि जब हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो जो वैल्यूज़ का हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो वैल्यूज़ जो हमारी डेटा से हमें मिली और वो वैल्यूज़ जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हैं हमारे टेबल्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो टेबल्स डिपेंड करती हैं कि हमें किस तरह का एनालिसिस किया है उसी तरह के एनालिसिस के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों के पास टेबल्स होती हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में तो जब हम लोग वो वैल्यूज़ उन टेबल्स में देखते हैं ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि हमारे डेटा में हमारे सैंपल में हमारी डी एफ क्या है डी एफ का अर्थ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अपने सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग ही अपनी टेबल में वैल्यूज को देखते हैं तो उस समय डी एफ की वैल्यू को समझना और डी एफ की वैल्यू को समझते हुए अपनी टेबल को ऑब्जर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किसे कहते हैं जैसा आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात कितनी फ्रीडम है कितनी डिग्री की फ्रीडम है या हम कह सकते हैं कितने डेटा पॉइंट्स को फ्रीडम है अगर किसी भी वजह से वो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करें तब भी हमारे जो डेटा सीरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी है मीन है, है इस पर कोई प्रभाव ना पड़े तो पहले हम लोग इसे एक बिहेवरल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं उसके बाद हम लोग इसे एक मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को एक काम करने के लिए मिला टास्क हम पांच लोगों को मिला कि आपको इस टास्क को पूरा करना है और हम पांचों मिलकर अगर इक्वल इक्वल काम करें तो हम पांचों मिलकर एक दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं यह हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी है तो अगर हम पांचों मिलकर इस काम को एक दिन में पूरा करते हैं और हमें ये काम एक दिन में पूरा करना है तो अगर किसी भी वजह से पार्टिसिपेंट वन अपना काम ठीक से ना करे या कम करे या पार्टिसिपेंट टू भी अपना काम ठीक से करे या ना करे पार्टिसिपेंट थ्री भी अपना काम ठीक से करे या ना करे सिमिलरली पार्टिसिपेंट फोर अपना काम ठीक से करे या ना करे इन सब के कार्य करने के नेचर से एक व्यक्ति डिपेंडेंट हो गया क्योंकि अगर इन चारों में से किसी ने भी उस काम को करने में कुछ भी प्लस माइनस किया तो उसके प्लस माइनस को मैनेज करने के लिए फिफ्थ पार्टिसिपेंट को क्योंकि टास्क हमें एक ही दिन में पूरा करना है हमें इस फिफ्थ पार्टिसिपेंट को उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करना होगा तो अगर मैं ये मानूं कि ये पूरी एक डेटा सीरीज़ है और इस डेटा सीरीज़ के हर डेटा पॉइंट का अपना मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड मिलकर हमें हमारा मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें जितने ये डेटा पॉइंट हैं उनमें से अगर मैं एक माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी जैसा आपने इसी बिहेवियरल एग्जांपल में किया था अगर पांच लोग हमारे पास है काम करने के लिए तो पांचों में से कोई चार अगर अपने काम को प्लस माइनस करते हैं कम या ज़्यादा करते हैं तो इनके कार्य को पूरा करने के लिए कौन डिपेंडेंट हो गया कोई एक और वो कौन होगा जो सबसे लास्ट में होगा या किसी भी एक को किसी भी एक को इन पाँचों में से ये मैनेज करना होगा कि बाकी का टास्क भी वो समय से पूरा हो सके तो इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम DF। तो यहां पांच लोग थे पांच में से अगर DF हमने कैलकुलेट करनी थी तो हमें जाना कि चार लोगों को फ्रीडम है पांचवा उस पर डिपेंड करेगा कि इन चारों लोगों ने किस तरह का काम किया वो डिपेंड हो गया तो इसी माध्यम से हम लोग अपनी डेटा सीरीज का DF का फंक्शन समझ सकते हैं अब हम यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सीरीज ले लेते हैं टू फाइव फोर थ्री टू ये सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया और हम लोगों ने मान लिया कि इसका मेन एक्स है तो इन पांच नूमेरिकल वैल्यूज में से अगर कोई एक नूमेरिकल वैल्यू अपनी वैल्यू चेंज कर दे यहां पर वन हो जाए लेकिन हम मीन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं मीन नहीं बदलना है तो क्या होगा इनमें से किसी एक को फॉर एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं अपनी वैल्यू को चेंज करना होगा किसके प्रोपोर्शन में या किसके कोरस्पॉन्डेंस में जैसा किसी भी एक या बाकी के नंबर्स ने अपनी वैल्यू को चेंज किया हो तो यहां पे हमने देखा दो में से एक ने का चेंज किया तो एक वैल्यू कम हो गई तो यहां पर हमें एक वैल्यू ऐड करनी होगी तो इस डेटा सीरीज का मेन सेम हो जाएगा अब अगर ये फाइव है इसने भी अपनी एक वैल्यू कम कर ली तो अब दोबारा इस वैल्यू में हमें एक और ऐड करना होगा यहां पर टू से फोर हो जाएगा तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि पूरी डेटा सीरीज़ में अगर कोई भी डेटा पॉइंट अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहे या उसकी वैल्यूज़ चेंज हो तो उसकी वजह से किसी एक डेटा पॉइंट को अपनी नूमेरिकल वैल्यू अपना नुमेरिकल मैग्नीट्यूड उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है तो इसीलिए हम लोग कॉमनली सभी कंडीशंस में नहीं कॉमनली डिपेंड करता है कि कितने डेटा सीरीज हैं कितने डेटा पॉइंट्स हैं और हम किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं डी एफ कैलकुलेट करते हैं तो डी एफ करने के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे लेकिन थेरी थेटिकल बेसिस डी एफ का सेम ही रहेगा तो कॉमनली डी एफ इज्कल टू एन माइनस वन तो यहां पर अगर फाइव था तो फाइव माइनस वन फोर फोर डिग्री ऑफ फ्रीडम इस डेटा सीरीज की होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिसे हम कहते हैं सार्थकता का स्तर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास सांख्यिकी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपस में कुछ हद तक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर हम उन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को थोड़े आसान तरीके से आसान माध्यम से आसान बिहेवियरल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा इजी होते हैं हमें समझने में तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक थोड़ा सा टिपिकल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है लेकिन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसे हम लोग बहुत ही आसानी से और इजीएस्ट मेथड्स के साथ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जब हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कशन किया तो आपने देखा होगा कि हाइपोथेसिस एक डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है डिसीजन मेकिंग अर्थात सबसे पहले हमने कुछ प्री अजम्शंस बनाई प्री एजम्पन्स बनाने के बाद डेटा कलेक्ट किया डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालाइज किया और उस एनालिसिस के बेसिस पे हमने एक डिसीजन लिया क्या कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने में फेल हुए अब चूंकि ये एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी जिसका अध्ययन जिसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में किया है इसे एक बार फिर से हम लोग बहुत ही बिहेवियरल कंपोनेंट से समझते हैं जैसे अगर मैंने कोई डिसीजन लिया फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिसीजन लिया कि आज हम लोग शाम तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे ये हमने डिसाइड किया लेकिन ये डिसीजन किसके बेसिस पर होगा ये डिसीज़न बेसिस का बेसिस होगा कि मेरे पास जो एवेलेबलिटीज़ हैं अवेलेबल रिसोर्स हैं जो मेरे पास मेरी स्किल्स हैं या मेरे पास जो स्किल्ड स्टाफ है इन सब पॉइंट्स को मैंने एनालाइज किया होगा और फिर मैंने एनालाइज किया होगा कि जो मुझे टास्क कंप्लीट करना है उस टास्क की नेचर क्या है डिमांड क्या है वो किस तरह के रिसोर्स डिमांड करता है किस तरह का टाइम डिमांड करता है और उसके बेसिस पर मैंने ये एक डिसाइड किया डिसीजन लिया कि ये टास्क हो जाएगा पूरा लेकिन अभी भी एक डाउट है क्या कि क्या कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है कि टास्क इतने समय में कंप्लीट हो भी जाएगा या नहीं तो ये जो मेरी डिसीज़न मेकिंग की प्रोसेस है इसमें मैं अपना सिग्निफिकेंस शो करता हूँ या कॉन्फिडेंस बताता हूँ और कहता हूँ कि नहीं ये डिसीज़न मैंने लिया है मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि टास्क इतने समय में कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे ही मैंने कहा कि मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि इन अवेलेबल रिसोर्सिस के द्वारा मैं इस टास्क को इस एक दिन में एक समय में या जो मुझे गिवन टाइम दिया गया है उसमें कंप्लीट कर दूंगा तो मैंने क्या कहा है कि मेरा डिसीज़न गलत होने की संभावना ज़ीरो परसेंट है हंड्रेड परसेंट में काम कर दूंगा तो बचा क्या काम ना करने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो बची ज़ीरो परसेंट क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो नंबर ऑफ ऑक्येंस के साथ पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्यंस हैं वो मैंने पूरी तरीके से मिनिमाइज़ कर दिए लेकिन जब हम इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो हमारे पास और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है क्वाइट पॉसिबल मैंने एनालिसिस किया था सही किया लेकिन बीच में और बहुत सारे फैक्टर्स आए जिन्होंने मेरे कार्य करने की जो प्रोसेस है उसे डिविएट किया तो मैं क्या कह सकता हूँ मैं कहता हूँ कि नहीं मैं 95% फाइव परसेंट श्योर हूँ कि ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज किया किसके बेसिस पर एक अजम्पन के बेसिस पर कि शायद किसी और तरह के कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजंस आ जाएं और मेरे कार्य करने की जो स्पीड है उसमें कुछ बदलाव हो जाए तो उस कंडीशन के लिए मैंने पांच परसेंट का मार्जिन रखा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यही थ्योरी पर काम करता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं इन रिसर्च जो हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं उसको हम कितने कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि हमारा ये डिसीज़न सही है या गलत है अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं जैसे अगर हमने ये हाइपोथेसिस बनाई कि जेंडर का कोई भी प्रभाव परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ सकता है नल हाइपोथेसिस डेवलप की कि जेंडर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है परफॉर्मेंस पर हमारे डेटा ने हमें ये इंश्योर किया और बताया कि हाँ हमारे डेटा में जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं आया है जॉब परफॉर्मेंस पर लेकिन ये बात कितने श्योर हैं हम कितने कॉन्फिडेंट हैं तो इस कॉन्फिडेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज़ करते हैं जिसे हम लोग अल्फा भी कहते हैं और इस साइन से डिनोट करते हैं तो हालांकि ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी रिसर्च में ये डिसाइड करूं कि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पॉइंट वन होगा मतलब दस परसेंट मैं मार्जिन ऑफ एरर एक्सेप्ट कर लूँगा कि अगर मेरी रिसर्च से मुझे मिला कि जेंडर डिफरेंस नहीं होता है तो अगर वो दस बार और हो सौ बार और हो तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन में जो मार्जिन ऑफ एरर है दस परसेंट का प्रोबेबिलिटी में मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूँगा लेकिन स्टैंडर्डाइज वे में सोशल साइंसिस में हम लोग एल्फा की वैल्यू पॉइंट जीरो फाइव या पॉइंट जीरो वन ही लेते हैं पॉइंट जीरो फाइव एल्फा का मतलब हुआ नाइन्टी फाइव परसेंट जो मेरी हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हुई है तो नाइन्टी फाइव परसेंट चांसेस हैं आगे भी वो उसी तरह का रिजल्ट मुझे मिलेगा अगर मैं जीरो वन पर रखता हूँ तो इसका अर्थ है नाइन्टी नाइन परसेंट तो इन फ्यूचर 99 परसेंट चांसेस हैं कि अगर जेंडर डिफरेंस मेरे रिजल्ट में नहीं आया है तो आगे भी 99 परसेंट चांसेस में वो जेंडर डिफरेंस नहीं आएगा तो इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अब इस लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हम लोग आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एरिया ऑफ रिजेक्शन इसके माध्यम से हम लोग अल्फा को समझने का प्रयास करते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस और एरिया ऑफ रिजेक्शन हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के फंक्शंस और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है या उसी से ड्राइव होता है तो हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को डिटेल में डिस्कस किया है आज हम पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि हम किस प्रकार के एरिया को एरिया ऑफ रिजेक्शन और किस कंडीशन में हम उस एरिया को एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस कहेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के दोनों पॉइंट्स कभी भी बेस को टच नहीं करते हैं बेसिक जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू होगी वो होगी मीन अब हम लोग इसके राइट right साइड में अगर मूव करेंगे तो प्लस वन सिग्मा प्लस टू सिग्मा प्लस थ्री सिग्मा की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी और अगर हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस वन सिग्मा माइनस टू सिगमा और माइनस थ्री सिग्मा की वैल्यूज़ हमारे पास होंगी ये सब हम लोगों ने लास्ट के डिस्कशंस में कंप्लीट किया है अब हमारे पास जब हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया तो कहा हमारे पास दो अल्फा के पॉइंट्स एक्सेप्टेड होते हैं पॉइंट ज़ीरो फाइव पॉइंट जीरो वन तो पहले हम लोग पॉइंट जीरो वन की कंडीशंस में एरिया ऑफ रिजेक्शन और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस को समझने का प्रयास करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू हुई पॉइंट जीरो वन अब हम लोग इस अल्फा पे एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ड्रॉ करेंगे अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं वो दो कंडीशंस में होती हैं। एक होगी नल हाइपोथेसिस एक होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम लोग कॉमनली एच ओ या एच वन से डिनोट करते हैं तो पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस के, के केस को समझने का प्रयास करते हैं नल हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करती है दैट देयर विल बी नो जेंडर डिफरेंस अर्थात हम ये मानते हैं कि जेंडर का हमारे परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो जब हम कहते हैं कि जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो पॉसिबल जो रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस की कंडीशन होगी उसमें हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का एरिया कवर होगा कंप्लीट होगा तो हमारे नॉर्मल प्रोवर्टी कर में एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में निगेटिव स्कोर्स लाई करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हमारा अल्फा का वैल्यू पॉइंट जीरो वन है और मुझे इसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो मेरा ये अल्फा का वैल्यू दोनों तरफ आधा, आधा आधा बट जाएगा तो अगर अल्फा पॉइंट जीरो वन है तो दो हिस्सों में जब मैं इसे बांटूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इसका अर्थ हुआ कि अगर यहां पर मेरे पास एक परसेंट मार्जिन ऑफ एरर मैंने मान के चला था तो अब मुझे उस एक परसेंट ऑफ मार्जिन ऑफ एरर को अपने पॉजिटिव साइड और अपने निगेटिव साइड ऑफ डेटा में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप की है वो है नल हाइपोथेसिस अब हम लोग ये भी जानते हैं कि मीन से एक तरफ का जो एरिया होता है वो होता है 50 परसेंट अब यहां पर हम लोगों का क्या हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने परसेंट एरर और मार्जिन हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हमने कितनी की है यहां पर पॉइंट जीरो जीरो फाइव परसेंटेज में ही कन्वर्ट होगी तो ये होगी पॉइंट फाइव तो हमारे पास एक्सेप्टेंस के लिए कितना एरिया बचा 49.5. अब हमें क्या देखना है Z की टेबल में यह देखना है कि 49.5 परसेंट एरिया कितने एस तक कंप्लीट हो रहा है तो अब हम लोग यहां देखेंगे 49.5. एरिया कवर करने के लिए हमें कितना चाहिए 49.5. 2.5 एट यहां पर अब हम लोग वापस चलते हैं और यहां पर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं कितना टू पॉइंट फाइव एट क्योंकि ये वो एरिया है जो ऊपर के मार्जिन ऑफ एरर्स को डिनोट करेगा प्लस में सिमिलर यही चीज हमारे नेगेटिव साइड में होगा क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस है अब हम लोग देखेंगे कि जो एरिया है बाहर का एरिया इसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ रिजेक्शन कि अगर हमारा रिजल्ट का नंबर इस एरिया पे फॉल करता है तो हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे किसके केसेस में नल हाइपोथेसिस के केसेस में लेकिन अब हम लोग इसे ही समझते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के टर्म्स में उसकी कंडीशन में तो जब हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करती है कि हमारे हाइपोथेसिस में एक डायरेक्शन है नल हाइपोथेसिस बाय डायरेक्शन टू टेल्ड क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप कोई डिफरेंस वो अज्यूम नहीं कर रही है लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्यों बनाते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेशन में तो यहाँ पर क्या है हम लोग कोई एक डायरेक्शन अज्यूम करते हैं कि या तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मेल का जो डेटा है या मेल के जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उनका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा या हम ये अज्यूम करेंगे कि फ़ीमेल का जो वर्क परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा होगा तो चूंकि हमने चाहे पॉजिटिव साइड में डायरेक्शन ली हो चाहे नेगेटिव साइड में अब यहां पर जो एल्फा है एच अल्टरनेटिव की कंडीशन में वो सेम रहेगा इंटैक्ट क्यों क्योंकि हम यहां पर या तो अपनी हाइपोथेसिस को पॉजिटिव साइड में मेजर करेंगे या नेगेटिव साइड में अब हमें अपनी मार्जिन ऑफ एरर को दोनों टेल में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर जो हमारी कंडीशन हुई वो हुई पॉइंट जीरो वन तो जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रिजेक्शन निकालने के लिए चाहिए माइनस वन तो हमारे पास आया फोर्टी नाइन परसेंट अब हमें फोर्टी नाइन परसेंट एरिया कितना कवर होगा हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर में ये हमें वापस जेड की टेबल से देखना होगा तो जेड की टेबल से जब हमने देखा तो हमने पाया कि 2.33 z जेड स्कोर है जो आगे के एक परसेंट एरिया को एक परसेंट पॉपुलेशन को हमें रिप्रेजेंट करता है तो इस केस में जो हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन होगा वो ये पूरा एरिया हो जाएगा और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस इधर का सारा एरिया जबकि हमारे नल हाइपोथेसिस के केस में सिर्फ ये बीच का एरिया ही एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस था क्योंकि रिजेक्शन के लिए हमें अपनी हाइपोथेसिस को दोनों टेल्ड पर चेक करना हुआ था तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा किसके केस में जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू पॉइंट जीरो वन है सिम इसी के को हम लोग पॉइंट अल्फा की वैल्यू जब पॉइंट ज़ीरो फाइव होगी तो बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस तथा एरिया ऑफ रिजेक्शन क्या होगा अब हम लोग इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए एक एग्जांपल से ये देखते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं उसमें हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है तो हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल लिया है फॉर एग्जाम्पल हमने एक नल हाइपोथेसिस बनाई जब हमें इसे टेस्ट करना होगा तो हमें डी की ज़रूरत है तो हमने एक हाइपोथेटिकली डी रखा टेन और जो हमारी हाइपोथेसिस है उसे हम पहले पॉइंट ज़ीरो फाइव पर और फिर पॉइंट ज़ीरो वन पर एग्जामिन करेंगे तो हमारी हाइपोथेसिस थी जेंडर को लेकर तो जब हम लोग कोई दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस को लेकर हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको एग्जामिन करने के लिए हमें एक टेबल का उपयोग करना होता है उस टेबल को हम लोग टी टेबल कहते हैं इस टेबल का इस स्क्रीन मैंने यहाँ पर अटैच किया है अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट तो हमें सबसे पहले टेबल में यह देखना होगा कि उस लेवल पर टेबल में क्या वैल्यू अंकित है तो हमने नल हाइपोथेसिस के केस में पॉइंट जीरो फाइव टेबल पर देखना है डीएफ थी हमारी टेन और नल हाइपोथेसिस पॉइंट जीरो फाइव हम यहीं पर अभी देख लेते हैं .01 के लिए भी 2.23 और 3.17 ये टेबल की वैल्यूज़ हैं जो हमें टेबल से मिल गई अब ये टेबल हमें हेल्प करेंगी ये इंश्योर करने में कि हमारी हाइपोथेसिस जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है वो रियल में हमारा डेटा उसे सपोर्ट करता है या सपोर्ट नहीं करता है तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंटली एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है सपोर्टेड है या नहीं है इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जो हमारी टेबुल की वैल्यू है ये इसके बाद एक वैल्यू हमने कैलकुलेट की होगी जो हमारी डेटा से हमें मिली होगी कैलकुलेटेड वैल्यू हम आगे के एग्ज़ाम्पल्स में टी कैलकुलेट करना सीखेंगे तो तब हमें समझ में आएगा कि ये टी वैल्यू कैसे आती है लेकिन कोई भी वैल्यू जो हमारी डेटा से हमें मिली है हमारे एनालिसिस से मिली है और एक टेबल की वैल्यू तो जब टेबल की वैल्यू अगर ज्यादा हो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है ग्रुप का जो डिफरेंस है वो नॉन सिग्निफिकेंट है अगर हमारी टेबल की वैल्यू कम हो और कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो तो उस केसेस में कहते हैं कि जो डिफरेंस है इस ग्रुप में इन दो ग्रुप्स में वो सिग्निफिकेंट है अब हमने टेबल की मदद से ये जाना कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट हुई या नहीं सपोर्ट हुई तो अब देखिए जब हमने कहा कि नॉन सिग्निफिकेंट ये जो डिफरेंस है ये नॉन सिग्निफिकेंट है और हमने हाइपोथेसिस भी यही बनाई थी नल हाइपोथेसिस के कोई डिफरेंस नहीं है तो उस केस में जब ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और नल हाइपोथेसिस हमने बनाई है कि ग्रुप के बीच में डिफरेंस नहीं है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी किस केस में अगर ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो नॉन सिग्निफिकेंट आया हो लेकिन अगर ये ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट आया हो तो उस केस में क्या होगा हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने में फेल हो जाएंगे दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं कि हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे ये हम लोगों ने कहाँ देखा जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस थी इसी प्रकार से हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केस में भी अपनी हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते हैं ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी हैं ये हमने इसी टेबल से देखकर कर यहाँ पर ड्रॉ की है तो आप लोग भी इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए नल हाइपोथेसिस के केस में पॉइंट जीरो फाइव लेवल पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केस में पॉइंट ज़ीरो फाइव के लेवल पर और पॉइंट जीरो वन के लेवल पर अपनी टेबुलर वैल्यू को इसी प्रकार से देख सकते हैं हमें सिर्फ डी का कंसिड्रेशन रखना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये डी के हैं तो अगर मेरी डी डी एफ थर्टी है तो मुझे इसके सामने की वैल्यूज देखनी है अगर 80 है तो उसके पैरलर बस इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम अपनी टेबुलर की वैल्यू ढूंढ सकते हैं तो इस केस में अगर आप देखेंगे कि अगर मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो ये एज्यूम कर रही है कि डिफरेंस है अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो अब हम लोग क्या करेंगे अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले जैसा नल हाइपोथेसिस के केस में था जस्ट उसके अपोजिट हम लोग इस केस में कंसीडर करते हैं क्योंकि हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई है कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है और यहां पे इस वाले केस में वो सिग्निफिकेंट आया तो जब वो सिग्निफिकेंट आएगा तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे अब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइप वन एरर एवं टाइप टू एरर तो टाइप वन एरर और टाइप टू एरर क्या होता है अब पहले हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं उसके बाद हम लोग इसे कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे तो टाइप वन एरर का अर्थ है हमने सबसे पहले किस तरह की गलती करते हैं हम लोग जब जब हमें कोई सही बात बताई जाए या जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे कहें कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए सच है सही है ट्रू है लेकिन हम क्या करें हम उनकी बात ना माने और ना मानने के बाद हम उस तरह का व्यवहार ना करें जैसा उन्होंने कहा तो इसको हम कहते हैं टाइप वन एरर अब इसी को हम इस मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझते हैं देखिए जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जैसा कि अगर पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो ये क्या है ट्रू है फैक्ट है रियलिटी है लेकिन हम क्या करें इस आइडिया को रिजेक्ट कर दें तो यहां पर भी जैसे नल हाइपोथेसिस है हमारे पास वो क्या है ट्रू है रियलिटी है फैक्ट है लेकिन हम किसी भी वजह से डेटा एरर की वजह से उसे रिजेक्ट कर दें तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टाइप वन एरर नल हाइपोथेसिस ट्रू रिजेक्टेड टाइप वन एरर एक सीधा प्रोसेस है अब दूसरा केस क्या हो सकता है जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जैसे हमसे कुछ लोग कहें कि चलो घूमने चलते हैं पढ़ाई वढ़ाई क्या करनी है तो ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है गलत है लेकिन किसी भी वजह से हम लोग अगर इस फैक्ट को इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम लोग किस तरह की एरर करेंगे टाइप टू एरर तो टाइप टू एरर क्या हुई जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो लेकिन डेटा में सैंपलिंग की वजह से या मेजरमेंट की वजह से या किसी भी स्टेटिकल मेथड की वजह से हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए तो हम लोगों ने किस तरह की एरर कमिट की टाइप टू एरर टाइप टू एरर को हम लोग बीटा भी कहते हैं और इस साइन से हम लोग टाइप टू एरर को डिनोट करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं पावर बेसिकली अगर हम सामान्य भाषा में किसी से बात करें तो आप कहेंगे कि पावर होती है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का अर्थ शक्ति ताकत लेकिन अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो पावर से आप सबसे ज्यादा क्या उपयोग करते हैं या किसको आप सबसे ज्यादा पावरफुल कहते हैं वो व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की शक्ति हो तो पावर में दो कॉन्सेप्ट होते हैं एक होगा स्ट्रेंथ दूसरा होगा इन्फ्लुएंस लेकिन अगर आप ये देखें कि कौन व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा किसी को भी इन्फ्लुएंस करता है या किसके अंदर भी सबसे ज्यादा शक्ति होती है तो आप पाएंगे कि वो जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले जब वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेगा तो नेक्स्ट टाइम उस तरह की गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में उसके पास मार्जिन ऑफ एरर कम होंगे और उसकी पावर उसकी स्ट्रेंथ आगे बढ़ती चली जाएगी या वो जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा हमारी पावर इम्प्रूव होगी सेम यही कॉन्सेप्ट है स्टेटिस्टिकल में पावर का पावर इक्वल टू वन माइनस टाइप टू एरर अब एक बार हम वापस टाइप टू एरर पर चलते हैं टाइप टू एरर क्या है नल हाइपोथेसिस फॉल्स एक्सेप्टेड दैट मींस एरर जब हम लोग एक में से इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास जो होगा वो होगा पावर और ये बताएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है टाइप टू एरर को कमिट ना करने की अर्थात अगर हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है तो उसे एक्सेप्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी उसे रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारी पावर या हमारे स्टेटिस्टिकल मेथड्स में उसे पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसके मीनिंग उसके फंक्शंस उसकी यूटिलिटी और हम किन किन मेथड्स से हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं क्या करते हैं क्या वो प्रक्रिया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया अगले लेक्चर्स में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आज के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद अब आपका दिन शुभ हो धन्यवाद